गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राकेश कुमार यादव। मैं आज आपके लिए मैथ के 50 वन लाइनर क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको पता होना जरूरी है, वो क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं, जो रेलवे और एसएससी और सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए पहला क्वेश्चन, 80 का कितने प्रतिशत 16 है, तो 16 बटा नीचे आ जाएगा 80 इंटू 100, 0 से 0, 16 8 से 2 बार, 2 इंटू 10 बराबर 20%। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यदि किसी संख्या का 80% 52 है, किसी संख्या का 80% मतलब 80% बराबर कितना है 52, तो वह संख्या है, तो 52 बटा 80 इंटू 100, तो 13 ये 4 से 13 बार, ये 4 से 20 बार, 120 से 5 बार, 13 इंटू 5 बराबर 65। आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन, एक संख्या स्वयं के 80 से 18 अधिक है, तो वह संख्या होगी, एक संख्या स्वयं के 80 से 18 अधिक है, मतलब संख्या पूरी होती है 100% स्वयं के 80% से कितनी अधिक है 18 अधिक है, तो 18 किसके बराबर होगा 20 के बराबर, तो 18 बटा 20 इंटू 100, तो 120 से 5 बार, 18 इंटू 5 बराबर 90। आगे देखिए स्टूडेंट्स, 69.60 में बेचने पर एक दुकानदार को 25% का नुकसान होता है, तो वहीं से किस प्राइस पर बेचेगा, कितने का नुकसान होता है 25% का, मतलब 100% की वस्तु है उस पर कितने का नुकसान हो रहा है 25% का, तो वस्तु को कितने में बेच रहा है 75% में, तो 69.60 बटा 75 इंटू 100, पॉइंटर जाएगा नीचे आ जाएगा 100 से 100, ये चला जाएगा 25 से 75, 25 दुना 50, 25 दुना 50 196, 25 दुना 50 196, 25 × 175, 175 और 24 240, तो ये हो जाएगा 25 नाम फिर हो जाएगा 15 25 6 है, तो ये हो जाएगा 2279.6/3, 3 × 9 = 6.80 लगभग। आगे देखें स्टूडेंट छठवां क्वेश्चन, एक क्रिकेट बैट को 720 में बेचने पर एक दुकानदार को 25% का नुकसान हुआ, तो 720 में बेचेगा तो कितने का 25% का नुकसान, मतलब 75 बराबर, वह इस क्रिकेट के बैच को कितने में बेचे कि उसे 25% का लाभ हो, मतलब 125 में बेचेगा, तो 25 से 5 बार, 25 से 3 बार, 3 से 720, 240, 240 इंटू 5 बराबर 1200। आगे देखिए स्टूडेंट सातवां क्वेश्चन, फादर ऑफ मैथ कहा जाता है आर्किमिडीज को फादर ऑफ मैथ कहा जाता है, एक अष्टकोण में कितने किनारे होते हैं, अष्टकोण में किनारे होते हैं 8, ये हो जाता है, ऐसा होता है अष्टकोण, एक दो तीन चार पाँच छ सात और 8 किनारे। आगे देखें स्टूडेंट्स, अनुक्रम समाप्त करें तो 9 फिर 18 फिर 27 फिर आगे क्या होगा, तो बीच में 9 का गैप, बीच में 9 का गैप, 27 में 9 अपन ऐड करेंगे तो 36। आगे देखिए दसवां क्वेश्चन, बुझाओ वाले आकृति को किस नाम से जाना जाता है, तो बुझाओ वाले अगर 3 बुझाओगी तो उसको अपन त्रिकोण, अगर 4 बुझाओगी तो अपन उसको चतुर्भुज, अगर 5 बुझाओगी तो पंचभुज, अगर 6 बुझाओगी तो षटभुज,
ऐसे जैसे जैसे पूजा बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसका नाम भी चेंज होता जाएगा। सबसे छोटी दो अंकीय संख्या, तो सबसे छोटी दो अंकीय संख्या हो जाएगी 10 और सबसे बड़ी हो जाएगी 99। ये तो होगी दो अंक वाली और तीन अंक वाली। तीन अंक वाली सबसे छोटी संख्या 100 और सबसे बड़ी 999। चार अंक वाली सबसे छोटी 1,000 और सबसे बड़ी 9,999। ऐसे ही पांच अंक वाली सबसे छोटी 10,000 और सबसे बड़ी 99,999। आगे देखिए स्टूडेंट्स, 12वां क्वेश्चन। वह आकृति जिसकी कोई भुजा और कोना न हो उस आकृति को कहलाते हैं सर्कल। सर्कल ये होता है जिसमें कोई भुजा और कोई कोना नहीं होता है। आगे देखिए स्टूडेंट्स, 13वां क्वेश्चन। जब किसी संख्या को 0 से गुणा किया जाता है तो इसका आंसर हमेशा 0 आएगा। देखना, 3 × 0 तो इसका आंसर आएगा 0। अगर 0 × 0 × 11 बराबर भी 0, मतलब किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करने पर उसका आंसर भी 0 आएगा। आगे देखिए 14वां क्वेश्चन। चार समान भुजाओं वाली आकृति को कहते हैं, तो चार समान भुजा वाली आकृति, एक ये हो गई, दो ये हो गई, तीन और ये हो जाएगी चार। चार समान भुजा वाली आकृति को कहते हैं वर्ग, स्क्वायर, स्क्वायर इंग्लिश में और वर्ग हिंदी में। आगे देखिए स्टूडेंट्स, 15वां क्वेश्चन। 1 किलोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है? 1 केजी, केजी मतलब किलोग्राम, किलोग्राम बराबर होता है 1,000 ग्राम। केजी, केजी को ग्राम में बदलने के लिए 1,000 से मल्टीप्लाई करते हैं और ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1,000 से भाग देते हैं। आगे देखिए, सबसे बड़ी दो अंकीय संख्या कौन सी है? तो सबसे बड़ी दो अंकीय संख्या मैंने अभी बताया था आपको, 99। आगे देखिए स्टूडेंट्स, सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? सबसे छोटी सम संख्या हो जाएगी 2, फिर इसके बाद हो जाएगी 4, फिर इसके बाद हो जाएगी 6, फिर इसके बाद हो जाएगी 8। आगे देखिए, तब लंबी दूरी को किसमें मापा जाता है? लंबी दूरी को मापा जाता है किलोमीटर में, केमी, किलो किलोमीटर, 1 किलोमीटर बराबर होता है 1,000 मीटर। आगे देखिए स्टूडेंट्स, 19वां क्वेश्चन। एक व्यक्ति का वजन किसमें मापा जाता है? तो व्यक्ति का वजन मापा जाता है केजी, किलोग्राम, किलोग्राम। आगे देखिए, रेक्टेंगल की माप क्या होती है? रेक्टेंगल 90 डिग्री, 90 डिग्री रेक्टेंगल। आगे देखिए स्टूडेंट्स, किन आकृतियों में चार बराबर भुजाएं और समान विपरीत कोण होते हैं? चार चार किन आकृतियों में चार बराबर भुजाएं और समान विपरीत कोण होते हैं? वर्ग, वर्ग और विषम कोण, वर्ग और विषम कोण, वर्ग ऐसा होता है। चार समान। आगे देखिए 22वां क्वेश्चन। हम 0.07 को अंश के रूप में कैसे लिख सकते हैं? तो 0.07 को अपन लिख सकते हैं 7/, जितना पॉइंट है उतना आ जाएगा नीचे 00, तो 7/100। आगे देखिए 23वां क्वेश्चन। उस त्रिभुज का नाम क्या है जिसमें केवल दो समान भुजाएं होती है? समद्विबाहु, समद्विबाहु, द्विबाहु, समान द्विबाहु का मतलब ये दोनों भुजा समान और ये भुजा विषम। एक आकृति ऐसी, एक आकृति ऐसी भी हो सकती है, ऊपर वाली दोनों समान और ये विपरीत। आगे देखिए 24वां। एक त्रिभुज में कोणों का योग कितना होता है? एक त्रिभुज में, कोणों का योग होगा 180 डिग्री, 180 डिग्री। अगर चतुर्भुज होगा, ये तो हो गया त्रिभुज वाला, अगर चतुर्भुज होगा तो उसके अंदर 360 डिग्री। आगे देखिए 25वां क्वेश्चन। संख्या 144 का वर्गमूल कितने के बराबर होगा? तो √144, तो 144 को अपन लिख सकते हैं रूट के अंदर 12
12 तो इसका मान हो जाएगा 12। आगे देखिए 26वां क्वेश्चन, शून्य की खोज किसने की थी? शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी, आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी। आगे देखिए 27वां क्वेश्चन, संख्या ब्राह्मण का नियम यह किसने कहा था? पाइथागोरस ने, पाइथागोरस ने यह कहा था। आगे देखें 28वां क्वेश्चन, समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा को क्या कहा जाता है? समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा को कर्ण या हाइपोटेनस, ये होता है अपना समकोण त्रिभुज, ये 90 डिग्री होता है यहाँ पे, ये होता है आधार, ये होता है लंब, ये होता है कर्ण, ये सबसे लंबी भुजा होती है। आगे देखिए स्टूडेंट्स, ज्यामिति में त्रिकोण का सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत क्या है? पाइथागोरस सिद्धांत, पाइथागोरस सिद्धांत ज्यामिति में त्रिकोण का, त्रिकोण का मतलब होता है एल ए एल बटा के ए, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार, आधार बटा लंब, कर्ण बटा आधार और कर्ण बटा लंब, ये होता है साइन साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक थीटा। आगे देखिए स्टूडेंट्स, इस संख्या प्रणाली में शून्य के लिए कोई प्रतीक नहीं, रोमन संख्या में शून्य के लिए प्रतीक नहीं, एक के लिए होता है उसके अंदर एक, दो के लिए होता है दो, तीन के लिए होता है उसमें तीन, चार के लिए होता है उसमें चार, चार चार के लिए एक ऐसे और वी वाला इधर, पांच के लिए होता है, छह के लिए होता है, सात के लिए होता है, आठ के लिए होता है एक वी और तीन लाइन, नौ के लिए होता है, दस के लिए होता है अक्ष, और फिर पचास के लिए एल, 500 के लिए एम, ऐसे होता है। आगे किस संख्या को रामानुजन संख्या माना जाता है? किस संख्या को रामानुजन संख्या? 1729 को रामानुजन नंबर माना जाता है। एक अरब में कितने शून्य होते हैं? एक अरब में 9 शून्य होते हैं, जैसे इकाई, ताई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, तो ये अरब अरब होते हैं नौ। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, एक अरब। एक अरब में कितने? दो तीन, तीन छ, तीन तीन नौ शून्य। आगे देखिए स्टूडेंट्स 33वां क्वेश्चन, एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? लीप वर्ष में 366 दिन और सामान्य वर्ष में होते हैं 365 दिन। आगे देखिए, एक सर्कल में कितने डिग्री का कोण होता है? एक सर्कल में 360 डिग्री का कोण, 360। किसी आकृति के चारों ओर की दूरी कितनी होती है? चारों ओर की दूरी का मतलब परिधि, परिधि का मतलब होता है परिमाप, परिमाप पैरामीटर, जैसे अपना ये अपना वृत्त हो गया तो वृत्त की परिधि, आयत होता है तो आयत का परिमाप। एक क्यूब में कितने सीधे किनारे होते हैं? 12 किनारे होते हैं, जैसे क्यूब होता है ऐसा, क्यूब होता है ऐसा, ये तो हो गया एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, ये हो जाएगा 9, 10, 11 और 12 किनारे।
आगे देखिए, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? तो 1 घंटे में कितने मिनट होती है? 60 मिनट। 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड। 60 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3600 सेकंड। आगे देखिए 38वां क्वेश्चन, भारत में मानव कैलकुलेटर किसे कहा जाता है? भारत में मानव कैलकुलेटर शकुंतला देवी, शकुंतला देवी। एक संख्या में कितने दशमलव बिंदु हो सकते हैं? एक संख्या में केवल एक, जैसे 60.9, ऐसे नहीं हो सकता कि 60.9.07, ये गलत है, ये वाला राइट है। ऐसे हो सकता है 2.2.03 सही है, 7.9 ऐसे हो सकता है, केवल एक। एक लाइन ग्राफ में एक पूरी अखंड रेखा को कहा जाता है रेखीय ग्राफ, रेखीय ग्राफ। कौन सा बार ग्राफ अंतराल में डेटा दर्शाता है? ग्राफ अंतराल में डेटा दर्शाता है हिस्टोग्राम। कवाड की परिभाषा क्या है? कवाड एरट डेमो स्टोर्ट, कवाड एरट डेमो स्टोरम। रेशनल संख्याओं का गुणात्मक पहचान क्या है? एक। सहचारी संपत्ति किस पर लागू होती है? जोड़ और गुणा पर, जोड़ और गुणा पर। आगे देखें स्टूडेंट्स, एक क्यूब का एक किनारा है तो उसका वॉल्यूम मतलब आयतन, तो क्यूब मतलब घन, घन का आयतन का फॉर्मूला होता है एक क्यूब, तो इसका किनारा ए है तो इसका आयतन होगा एक क्यूब। आगे देखिए, संख्या 5 का वर्गमूल क्या होगा? तो 4 का होता है 2 और 9 का होता है 3, तो 5 का होगा 2.23 कुछ। 4 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 15, 25, 40 और 75 से विभाजित हो, तो 15, 25 और 40 और 75 का अपन को निकालना है एलसीएम। तो 15, 25, 40 और 75, तो ये चला जाएगा 5 से, 5 3 15, 5 25, 5 8 40 और 15, 5 75, फिर 5 से 1, 3, 3, 8, फिर 3 से 1, 1, 8, 3, तो 25, 75, 75 इंटू 8, 75 इंटू 8, 8, 5, 40 का 0 हासिल की, 4, 8, 7, 56 और 4, 60, 600, तो 600 है, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9,999, तो 9,600 के अंदर पूरा भाग जाएगा। आगे देखिए 48वां क्वेश्चन, सम संख्या क्या होती है? सम संख्या वह संख्या होती है जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, 2 से पूर्णतः विभाजित, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, विषम संख्या होती है, विषम संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती है, 1, 3, 5, 7, 9, 11। आगे देखिए, प्राइम नंबर क्या है? जो एक नंबर के अतिरिक्त किसी अन्य से विभाजित न हो, प्राइम नंबर जैसे एक, एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, फिर 3, फिर 4, 4 में 2 का भाग जाता है 5, फिर 5, 6 में 2 का जाता है और 3 का जाता है, फिर आ जाएगा 7, फिर 8 में 2 का जाता है, 4 का जाता है, फिर 9 के अंदर 3 का जाता है, फिर 10 में जाता है, फिर 11, ऐसे 13, ऐसे प्राइम नंबर होते हैं। धन्यवाद धन्यवाद स्टूडेंट्स, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा।